सर केला। केला कहाँ का चाहिए? सर ये कहाँ? मैंने बम्बे के और ढाके के केले की तारीफ की है। हाँ। मैंने कहा था कि बम्बे के 6 केले कमरे में पड़े हो तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। अच्छा। और ढाका का केला भी इतना लंबा होता है। इतना सर? और पाकिस्तान का यासिन का केला उंगली के बराबर है, छोटा सा। बहुत ये क्यों सर? पता नहीं किसी ने मुझे बताया, नहीं उन्होंने बताया कि ये मिर्ची केला है। मिर्ची केला, ये ठट्ठे के कहीं इलाके में पैदा होता है। हाँ। और बड़ा टेस्टी होता है। सही। छोटा है मगर टेस्टी है, मीठा होता है। मीठा, सही। और वहाँ का केला कैसा, कड़वा? नहीं नहीं, वो बम्बे का केला, उसका अपना ही टेस्ट है। अच्छा, उसमें सर केले में खुशबू होती है क्या? बहुत खुशबू है। कमरे में कभी नहीं देखी। अरे आप एक कमरे में 6 केले मंगा के रखे ना। अच्छा सर, मैं खा जाता हूँ अक्सर, मैं इस वजह से शायद मैंने नहीं देखी। लेकिन ये केलों के ऊपर आम की बेटियां घर में, आम की तो बड़ी पैदाशा होती है, तो पूरे घर में उसकी खुशबू आ रही होती है। पता लग जाता है कि घर में आम की बेटी रखी है। अभी मैंने मंगाए हैं बॉम्बे के केले, खाएंगे अभी। जबरदस्त, माशाल्लाह। हाँ, ये बड़े बड़े। अच्छा सर, और ये लिफाफा सहाफियों के बारे में क्या कहें सर? बड़ा दिल दुखता है। अभी कल परसों किसी ने, मैं उसने का बताया, एक बहुत बड़ा, उसने कहा ये दानिश्वर है, आपने भी देखा होगा वो क्लिप। हाँ हाँ, बिल्कुल देखा। वो सांडे का तेल बेच रहे हैं, सांडे का तेल बेच रहे हैं। 5 कतरे इसके डालें। हाँ। तो ये तेल जो है आपकी हर तरह की दर्द ठीक हो जाएगी। उसके ऊपर तबसरा किसने दिया, उसने कहा देखे ये है हमारे दानिश्वर, इनके पीछे लग के हम कुत्ते बदलते हैं, कुत्ते लाते हैं। हाँ। और ये भी यहाँ टीवी में से साढ़े का तेल बेच रहे हैं, वो बहुत बड़े साफी है, मैं नाम नहीं ले रहा। हाँ। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि कोई कोर्ट रूम में कभी आपका किसी में दिल आया? दिल तो दिल है सर, आया किसी जगह भी आ सकता है, इस रूम की पाबंदी नहीं होती। वाह वाह, किसी भी रूम में आ सकता है? नहीं, ये तो फिजाओं में भी आ जाता है। सर कोई शेर तो सुनाए मुझे मोहब्बत के ऊपर, हमारी आवाम सुनना चाहती है, बड़ी मोहब्बत करती है ये आवाम। सर मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, आया है उसी को देख कर जीते हैं जिसका फिर से दम निकले। वाह 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 वाह, क्या बात है। सर मैं भी एक सुनाता हूँ, वो है कि परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, तुम्हारा शहर तो बिल्कुल नए अंदाज जैसा है, तुम्हारे शहर में भी अब कोई तुम हमसा नहीं रहता। वाह। मोहब्बत तो एक खुशबू है, हमेशा साथ रहती है, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। वाह वाह। आखिरी शेर है इसका, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, क्योंकि जहाँ दरिया से समंदर मिला, दरिया नहीं रहता। बहुत आला, बहुत आला। अच्छा सर, आपने इतने केस लड़े हैं, तो आपको आपकी जिंदगी में कोई ऐसा केस है जिसमें यार ये दिमाग से नहीं निकल रहा, मजा या कोई केस ऐसा? अक्सर केसों में वो पूरा केस तो कोई मजाक नहीं होता। हाँ। उस मौके पे कोई ना कोई जुमला जो है जहन में आ जाता है, तो आदमी सवाल पूछ लेता है। एक केस में गवाह आई थी खातून, सही, उसका नाम था मलका। मलका, मैंने उसके पहला सवाल ये पूछा कि आप किसकी मलका हो? तो क्या कहा उन्होंने? तो वो मुस्कुरा दी, मतलब यही होता है, तो थोड़ा सा ही मजाक पैदा करना होता है। सही सही सही। एक खातून थी, वो दिखवाना होता है जैसे उम्र। हाँ। तो उनसे पूछा आपकी एज, तो उन्होंने कहीं को 25 के 30 साल बताई। मैंने कहा आंटी मेरी नहीं, आपकी एज पूछ रहे हैं। वाह वाह वाह।